दिल्ली का एक अस्पताल, नाम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जो सरकारी हॉस्पिटल है। एक लड़का अपनी मां का इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका आप एक्सरे करवा लीजिए। पर्ची पर जो तारीख लिखी होती है एक्सरे करवाने की, वो होती है 23 मार्च 2026। मेरी मां की तो टांग टूटी है आज, और इसका एक्सरे करने के लिए आप जो तारीख दे रहे हो वो सही है क्या? जो स्थिति अब बनी है वो शायद 1947 से भी पहले बुरे हालातों की बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का एक अस्पताल, नाम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जो सरकारी हॉस्पिटल है। एक लड़का अपनी मां का इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में जाता है। मां की टांग पर फ्रैक्चर आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका आप एक्सरे करवा लीजिए। लड़का पर्ची लेने जाता है और एक्सरे की पर्ची पर जो तारीख लिखी होती है एक्सरे करवाने की, वो होती है 23 मार्च 2026। लड़का फिर वापस देखता है पर्ची को और फिर जनाब के पास जाता है जो पर्ची काटते हैं। वो कहता है कि सर, मेरी माँ का इलाज तो आज करना है, ये तारीख आपने गलत डाल दी। तो पर्ची काटने वाले जनाब बोलते हैं, ये तारीख मैंने गलत नहीं डाली, आपकी माँ का इलाज 23 मार्च 2026 को ही होगा। अब आप देखिए इस देश की जो अस्पतालों की स्थिति है वो क्या है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि मेरी माँ की तो टांग टूटी है आज, और इसका एक्सरे करने के लिए आप जो तारीख दे रहे हो वो सही है क्या? तो सामने से जवाब आता है कि जनाब, यहाँ पर एक ही एक्सरे मशीन है और इसलिए हजारों लोग यहाँ पर आते हैं जो आपसे पहले कतारों में लगे हुए हैं। एक तरफ गारंटी ये दी जा रही है कि मोदी की गारंटी, और दूसरी तरफ सच्चाई को अगर आप देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं और किस हालात में खड़े हैं, तब लगता है कि हम जो स्थिति अब बनी है वो शायद 1947 से भी पहले बुरे हालातों की बनी हुई है। भरतपुर के एक व्यक्ति, नाम शमशेर सिंह, अपने पिता का इलाज कराने के लिए जाते हैं। पेट की बीमारी होती है इसी अस्पताल में। उनको अल्ट्रासाउंड की जो तारीख दी जाती है वो दी जाती है 1 दिसंबर 2027। तो 3-4 साल बाद अगर ऐसे ही टेस्ट होंगे तो इलाज कब होगा? अब मैं आता हूं इन मशीनों के दाम कितने होते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन जो अच्छी से अच्छी है वो 1.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ रुपए। एक्सरे करने वाली मशीन अच्छी से अच्छी 20 लाख रुपए के से लेकर 50 लाख रुपए तक। अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में खूब बोलते हैं और कहते हैं कि हमने एम्स बना दिए। हालांकि वो कितने बने हैं कितने नहीं बने, पिछले दिन उन्होंने बोला था कि दरभंगा में भी हमने एम्स बना दिया है, वहां पर ऐलान हुआ है, लेकिन अभी तक एम्स बने नहीं है। जहां जहां एम्स बने हैं वहां की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। पंजाब में 1, महाराष्ट्र में 1, यूपी में 3, गुड़गांव में 1, दिल्ली में 1। अब ये जितने एम्स बने हैं, जब इनकी जानकारी ली गई तो पाया गया कि 43% तो अभी काम ही नहीं कर रहे हैं। जो बाकी बचे हैं 63%, उनमें वो मशीनें ही नहीं है, और मशीनें हैं तो बहुत कम है। तो कहने को तो हमने एम्स बना दिए, कहने को तो हमने अस्पताल बना दिए, लेकिन उसकी स्थिति देखने के लिए जाएगा कौन? मैंने अभी आपको पीछे बताया कि तारीख आपको इलाज करने की क्या मिल रही है। अब आते हैं मोदी जी की गारंटी के ऊपर। किसानों की आय बोला गया था 2022 तक डबल होगी, लेकिन अब इनको बोल दिया कि 27 तक डबल होगी। पानी हर घर में पहुंचेगा, हर घर से नल लगेगा और पीने लायक पानी मिलेगा। वो कितना पहुंचा है उसकी भी बात करेंगे हम। चिकित्सा की बात मैंने पहले ही आपको बता दी है क्या हालात है इस देश के और क्या होने वाले हैं और कितना बजट है, इसके विषय में बात करेंगे। हर व्यक्ति को पक्का घर मिलना था या दिया जाना था, वो कितना दिया है उस पर बात करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं अस्पतालों की। हमारे देश में जो इलाज के लिए या अस्पतालों के लिए इसका जो बजट है, जो बजट बनाया गया था, उस बजट को तो अभी तक खर्च ही नहीं किया गया। और अगर उसको अच्छे तरीके से खर्च किया जाता तो हालात आज ये नहीं बनते कि एक इलाज करवाने वाले आदमी को तारीख 2026 या 2027 की मिले। ये तो कोर्ट कचहरी की तारीख से भी लंबी है जनाब। किसानों के लिए बोला गया था कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। किसान आज कहाँ खड़ा है आप देख लीजिए। वो दोबारा फिर 10 फरवरी को जाने वाला है देश में, एक फिर ऐलान करने वाला है कि हमारी जो मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई। जो प्रधानमंत्री ने हमसे माफी मांगकर बोला था कि जल्द ही आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन वो 2 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। अब हम दोबारा से फिर रोष प्रदर्शन करेंगे। और 10 फरवरी को ऐलान कर दिया गया है अलग अलग जगह से कि दिल्ली का एक रुख हो जाएगा। अब किसान खड़ा कहां पर है, लेकिन किसान के साथ जो कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर की औजार बनाती हैं वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई। ट्रैक्टर आप ले लीजिए, जो कंपनियां ट्रैक्टर बनाती हैं लाखों करोड़ रुपए की उनकी टर्नओवर है। जो कंपनी 1 लाख रुपए से शुरू हुई थी आज उसकी कंपनी की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो है 1000 करोड़ से ऊपर। कंपनी का नाम है HMT ट्रैक्टर, ऐसे ही सोनालिका है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रैक्टर बनाते हैं। यूरिया, जो कंपनी यूरिया बनाती है उनकी आप वर्थ लिख लीजिए कितनी बढ़ गई। ऐसे ही किसानों के लिए जो बीज, जो कंपनियां बीज बनाती है उनकी आप वर्थ लिख लीजिए पिछले सालों से लेके, उनको तमाम कमाई हो गई है, तमाम तरह की परिस्थितियां आ गई हैं और वो कहां से कहां पहुंच गई। यानी कि किसान इस देश का एक इकोनॉमिक जो होती है देश की वो भी ठीक कर रहा है, क्योंकि वो खुद तो कुछ बन नहीं पा रहा, लेकिन उसके कारण जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे स्वरूप ले रही है और फल फूल रही है और कैसे आगे बढ़ रही है। तो देश में हिस्सा किसान का तो है ही है। एक तरफ वो आपको अनाज भी पैदा करके देता है, दूसरी तरफ वो उन कंपनियों को भी बढ़ावा दे रहा है जो देश के टैक्स देती है और देश के काम आ रही है, इकोनॉमी के काम आ रही है। लेकिन किसान को क्या मिला, अब आप देख लीजिए जनाब। आज भी किसान जा रहा है अपने हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। तो किसान कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, क्या आगे भी गरीब रहेगा? अब ये सवाल तो बनता है। हर घर तक पानी पहुंचाना, कहा गया था कि 2022 तक हर घर में साफ सुथरा नल से पानी पहुंचेगा। अब हर घर में पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ 2019 से लेकर आज तक जो पानी आप पी रहे हो, क्योंकि हर जगह, हर दुकान, हर खोके, हर रेस्टोरेंट में आपको 20 से 25 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, उसका व्यापार कितना बढ़ गया है, 33 लाख करोड़ रुपया। एक पानी का जो व्यापार आपने बोला था कि पानी हर घर में पहुंचेगा पीने लिए, लेकिन आपने दूसरी तरफ उन कंपनियों को बढ़ावा दे दिया जो खुलेआम ये पानी बेच रही हैं, और खुलेआम 3300 करोड़ रुपए का यह धंधा हो चुका है, व्यापार हो चुका है। अब एक तरफ, अगर एक तरफ हर घर में पानी नल पहुंचाना, दूसरी तरफ इसी पानी को बेचने वाली कंपनियां खड़ी हो गई, अगर आप इन कंपनियों को इतनी सुविधा दे सकते हैं कि वो पानी बेचे तो हर घर तक पानी क्यों नहीं पहुंच सकता, सवाल तो ये भी बनता है जनाब। इसमें आपकी गारंटी कहां गई? शिक्षा के मामले में जो यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं, सरकार कहती है कि आज हमने इतनी यूनिवर्सिटियां खोल दी जो पहले नहीं थी, लेकिन उनमें से कारगर कितनी है, उनका बजट कितना है। कुछ जगह पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो खुली हैं, बहुत सारी इसी दौर में। उस दौर में मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम लूंगा, जितना बजट टोटल हमारे इसमें शिक्षा का दिया गया है 1 लाख करोड़ रुपया, उससे 10 गुना आप लगा लीजिए एक यूनिवर्सिटी की इनकम है, सिर्फ प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं। तो कितनी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट खुली और कितनी सरकारी खुली, और सरकारी यूनिवर्सिटियां आज कहां खड़ी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कहां खड़ी हैं, आप देख लीजिए। इस देश की हालत ये है। चौथा जो मैंने बताया अस्पतालों के बारे में, उन अस्पतालों में मशीनें ही नहीं है। हमारे देश में 3.5 करोड़ की मशीन लेना सरकार के लिए क्या मुश्किल है, 50 लाख की मशीन लेना क्या मुश्किल है। अगर ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो गारंटी तो छोड़िए जनाब, लगता है
हम किसी और ही दौर पे जा रहे हैं। और आप ये मत समझिए कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बुराई कर रहा हूँ या भाजपा सरकार की बुराई कर रहा हूँ, मैं वो स्थिति आपको बता रहा हूँ जो स्थिति चल रही है। चाहे कल सरकार किसी की भी आए या कल सरकार जिसकी भी थी, हमने तब भी बोला था, आज भी बोलेंगे और फिर आने वाले समय पे भी बोलेंगे, सरकारों का काम है जनता के लिए काम करना। चौथा जो पिलर है जिसमें हम खड़े हैं, जिसको हमारे ही द्वारा बोला जाता है कि मीडिया चौथा पिलर है इस डेमोक्रेसी का, लेकिन वो दिखा क्या रहा है आपको, जरा टीवी ऑन करके देखिएगा। पिछले दिनों जो 3 लड़के पकड़े गए उनके बारे में कुछ शो में डिबेट हुई, कहीं आपने देखा? नहीं देखा होगा। पूरे दिन राम मंदिर के बारे में दिखाया जा रहा है और एक चेहरे को बनाया जा रहा है कि ये चेहरा सुपर पावर है, लेकिन जो स्थिति बीच वाली है उसमें हम खोखले हैं। आपको मैंने जो बताया है उसके बारे में एक बार सर्च कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, ये स्थिति कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आगे भी इस तरह की बातें हम लाते रहेंगे आपके पास, और अगर आपको ये हमारा शो पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा आपकी कोई राय हो। जो मैंने बताया आपको ये सरकार के ही आंकड़े थे, और सरकार के आंकड़े से ये सब कुछ मैंने आपको बताया। तो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज बेदी, आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।